भाई कैसा लगा आपको मैसूर पैलेस और चर्च? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हाय दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो भाई अब जा रहा हूँ मैं ऊटी। ऊटी है यहाँ से करीबन 130 किलोमीटर और 3.5 घंटे का। बाकी आई होप आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी होगी। यार मुझे चर्च लिटरली बहुत अच्छा लगा। मैंने एक शॉर्ट भी डाला है चर्च का, तो आप देख सकते हो। तो अभी हम हैं बिल्कुल ऊटी के रास्ते पे। इस रास्ते पे पड़ने वाले हैं 2 टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें रास्ते में हिरन, मोर, हाथी ये सब देखने को मिले। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों। सो दोस्तों निकल लिए अपने सफर के लिए। भी है करीबन 3.5 घंटे का रास्ता है, पर देखते हैं रास्ते में नजारे कैसे हैं। तो आराम से रुक रुक के चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। हमें अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे जगह को, क्योंकि हमारे पास आज सैटरडे है, पूरा दिन है। कल संडे का पूरा दिन है, हम मंडे को वापस आएंगे। पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं और अभी ऑलमोस्ट 73 किलोमीटर ऊटी रह रहा है। और देखा एक डोमिनार गई मेरे यहाँ से, ये सू करती हुई चैलेंज कर रहा है यार। ये तो रेस लगानी चाहिए। नहीं यार, मैं अपनी स्पीड में अपनी मस्ती में जाऊँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है जाने की, क्योंकि अभी भी 2.5 घंटे हैं। आज का पूरा दिन एंजॉय करके चलते हैं। फॉरेस्ट एरिया में ये देखो गाइस, पूरे झुंड के झुंड बैठे यार, और वो भी राइट साइड में। ये देखो फाइनली अब तक इनको सिर्फ चिड़ियाघर में देखा था, पर लाइव जंगल में पहली बार देख रहा हूँ। तो अब आगे ये एलिफेंट जोन आ गया है, तो यहाँ शायद हमें हाथी देखने को मिल सकते हैं। फॉरेस्ट से निकल चुके हैं, यहाँ से ऊटी रह गया है 50 किलोमीटर। बहुत मज़ा आया यार, बहुत अच्छा रास्ता था और क्या नज़ारे थे। मेरे ऑस्मो ने धोखा दे दिया, बीच में डेड हो गया और कहीं रुक नहीं सकते थे बीच में, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं था रुकने का जहाँ पे मैं इसको चार्जर निकाल के इसको चार्ज कर लूँ। और मतलब लिटरली हिरन तो दिख ही रहे थे, पर आज हाथी भी रोड पर खुले, चिड़ियाघर वाले नहीं, रियल जंगल में जो घूमते हैं वो वाले आती आराम से मस्त रोड के किनारे पे अपना खा पी रहा था। तो अभी हम भी कुछ खा पी लें, हम भी कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं, तो हमने अपना खाना फटाफट निपटाते हैं, पहुंचते हैं ऊटी और फिर ढूंढते हैं रहने का, क्योंकि मैंने अभी तक रूम बुक नहीं किया है। तो वहीं जाके देखूँगा कैसा क्या मिलता है। मैं बजट फ्रेंडली ढूँढूँगा, क्योंकि यार मैं 5 स्टार और 4 स्टार प्रॉपर्टीज़ में विश्वास नहीं रखता। अच्छा मिल जाए, हाइजीन मिल जाए, सबसे बढ़िया और सस्ता सुंदर टिकाऊ। भाई हर कोई 5 स्टार अफोर्ड नहीं कर सकता,
तो मैं भी अपने बजट के हिसाब से चलूँगा, देखते हैं कैसा मिलता है, आपको दिखाते हैं। पहले खा पी ले और फिर निकलते हैं यहाँ से। तब तक GoPro मेरा चार्ज हो रहा है और ओस्मो को मैं बाइक पर चार्ज कर लूँगा। सो दोस्तों, खाना पीना हो गया, यहाँ से पेट भर लिया और अब निकल गए हैं अपने सफर पे और अब देखते हैं कैसे नजारा आते हैं। जंगल वाला रास्ता बहुत मजेदार था यार, बड़ा मजा आया। एक बार तो फील हुआ था कि कहीं बाइक की हवा ना निकल गई हो, तो जैसे ही जंगल का रास्ता क्रॉस हुआ तो एक हवा वाला था, तो वहाँ पे बाइक की हवा चेक कराई और सब कुछ ओके था। ये देखो भाई, नैनो मेरे पास है, मेरी पहली गाड़ी नैनो है। बहुत प्यारी गाड़ी है यार, लिटरली बहुत प्यारी गाड़ी है। पेड़ तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बस काट पीट के, वाकई में काट पीट के फेंके हुए पेड़ है ये बांस है, एक्चुअली बैम्बू बोलते हैं। कल रात को टेम्परेचर चेक किया था ऊटी का, तो 10 डिग्री टेम्परेचर था, तो आज देखते हैं कितना होता है। 10 डिग्री तो काफ़ी होता है ठंडा, और अभी नीचे काफ़ी गर्मी थी क्योंकि कई दिनों से यहाँ बारिश नहीं हो रही, तो उसी चक्कर में काफ़ी गर्मी हो रखी है। रास्ता थोड़ा खराब है यहाँ से, ये नीचे भाई पूरा देखो चाय के बागान है।